जय माता दी। दोस्तों मैं नुपुर गुप्ता रियल्टर्स की साइट से आज आपको लेकर आई हूँ द्वारका सेक्टर 10। बहुत ही वेल मेंटेन सोसाइटी है और हम लोग लेकर आए आज आपके लिए 3 BHK का फ्लैट। तो चलो अपने फ्लैट के अंदर। तो हम लोग आ गए हमारे लॉबी एरिया में। फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है और चलते हैं अपने फ्लैट की साइड पे और एंटर करते हैं हमारे फ्लैट में। एंटर करते ही आप देख सकते हैं ये आ जाता है इसका ड्रॉइंग एरिया। ड्रॉइंग एरिया का आप साइज देख सकते हैं एंड काम भी देख सकते हैं, इसमें काम भी हो रखा है। सामने आपको टीवी पैनल मिल जाता है बिग साइज का, तो आप यहाँ पे टीवी भी प्लेस करा सकते हो। फैंस, झूमर, ये सारी प्लेसमेंट ऑलरेडी हो रखी है। एंड साथ ही आती है इसकी अटैच बालकनी। बालकनी का आप साइज देख सकते हैं कितना अमेजिंग साइज है। एंड सामने आपका पार्क आ जाता है। पार्क फेसिंग फ्लैट है ये हमारा। एंड ये जो बालकनी है हमारे बेडरूम से कनेक्टेड है, बेडरूम आपको बाद में दिखाएंगे। एंड ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया का साइज देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है। ये डाइनिंग एरिया के साथ में हमारी अटैच बालकनी है जो मैंने आपको बोला रूम से है, ये हमारे डाइनिंग एरिया से है। और यहाँ पे आपको मंदिर का स्पेस मिलता है, नीचे आपको मंदिर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया का स्पेस मिलता है। और ये आ जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन का साइज देख सकते हैं आप, यू शेप का किचन है। अटैच आपको विंडो मिल जाती है, यहाँ पे ग्लास वर्क मिलता है आपको, ऊपर कैबिनेट्स मिलते हैं, ड्रॉर्स मिलते हैं, ड्राइंग मटेरियल का पार्टीशन अलग रहेगा, रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस दिया जा रहा है यहाँ पर। एंड अब हम एंटर करते हैं हमारे बेडरूम 1 में जो कि हमारे ड्रॉइंग एरिया के साथ ही है। ये हमारा बेडरूम 1 आता है। इसका साइज आप देख सकते हैं, पूरी वॉल पे आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाती है, यहाँ पे एक प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना सोफा लगा के कॉर्नर स्पेस बना सकते हो, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगी। साथ ही आपको मिलता है अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम का भी आप साइज देख सकते हो, सारी सैनिटाइज अवेलेबल है इसके अंदर। एंड अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 में। तो ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। इसका साइज आप देख सकते हैं, सामने आपको यहाँ पे टीवी पैनल मिल जाता है, यहाँ पे टीवी प्लेसमेंट के लिए हॉल मिलते हैं आपको। ये हमारा अटैच वॉशरूम आता है, इसको साइज भी देख सकते हैं। ड्राई एंड वेट एरिया का पार्टीशन अलग रहेगा आपका। एंड ये आती है हमारी अटैच बालकनी जिसको आप वॉशिंग एरिया भी बना सकते हो। एंड यहाँ से आपको बैडमिंटन कोर्ट का व्यू और पार्किंग का व्यू देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 में जो कि हमारा लास्ट बेडरूम है। ये आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 3। इसका भी आप साइज देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग साइज है, ह्यूज साइज है। और यहाँ पे आपको बेड प्लेसमेंट के लिए शेप दे रखी है, यहाँ पे आप अपना बेड प्लेस कर सकते हो। इधर आपको वार्डरोब्स मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपना टीवी प्लेस करा सकते हो। एंड फॉल सीलिंग का डिसेंट वर्क। और साथ ही हमारा आता है अटैच वॉशरूम। ड्राई एंड वेट एरिया आपका अलग रहेगा, अमेजिंग साइज में अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। तो जैसे कि आपने पूरे फ्लैट का वर्चुअल टूर कर लिया है, तो बात करते हैं नियर बाय सराउंडिंग्स की। सराउंडिंग्स में आपको मेट्रो स्टेशन, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, बैंक, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। एंड प्राइस की बात करें तो 3.15 CR इसका प्राइस है, प्राइस नेगोशिएबल है। प्रॉपर्टी विजिट करना चाहते हैं या द्वारका है, द्वारका एक्सप्रेस में किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो और फ्लैट अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे ऐसी अमेजिंग ऑप्शंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।